तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और नए वीडियो के साथ। और देख सकते हो अपने पास यहाँ पे क्या है, एड्रेस मैंने छुपा दिया अपना भी और जिन्होंने भेजा उनका भी। तो यस, एक पार्सल अपने पास आ गया है और इसका आज करेंगे अनबॉक्सिंग। तो भाई ये जो पार्सल है ये हमको भेजा है सुनील भाई ने, तो सुनील भाई से हमने कुछ बेबलेट्स मंगाए थे, तो देखने वाले हैं इसमें क्या निकलने वाला है। ऑब्वियसली पार्सल है तो बेबलेट्स ही होंगे। तो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फर्दर अड्यू, चलो बिना किसी देरी के इसको ओपन करते हैं और देखते हैं आज अपने पास यहाँ पे क्या है। वैसे मैं कुछ नए वीडियोस लाने वाला था बट पहले इसको कर लेते हैं, तो चलो इसको ओपन करते हैं। तो भाई लोग जैसा कि देख सकते हो ये आ गया अपना पार्सल जो कि ऑब्वियसली सुनील भाई से हमने ऑर्डर किया है। और कुछ बेबलेट्स हैं इसमें, तो बताता हूँ क्या है। तो इससे पहले कि भाई इस पार्सल में आगे बढ़े, इसको ओपन करें, हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई। अभी काफ़ी वीडियोस आपसे नहीं बोला बट अभी बोल रहा हूँ कि भाई अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक शेयर और कमेंट भाई जब दबा के करो एकदम एकदम अच्छे से, ठीक है। क्योंकि भाई काफ़ी एफर्ट लगता है और यूट्यूब भी भाई कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता। कल कई बार वीडियो मेड फॉर किड्स हो गया तो वो भी हो जाता है। एनीवेज वो सब तो होता रहेगा, पॉइंट की बात ये है कि भाई ये है अपना एक बेबलेट पार्सल जो कि हमने सुनील भाई से ऑर्डर किया है। और बिना किसी देरी के अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। आई नो मुझे पता है बट मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, लेट्स सी। तो ओपन करते हैं भाई। पहला कट लग गया, ओ भाई मेरा हाथ ही ना कट गया, बच गया कटते कटते। तो भाई जब भी इस टाइप की चीजें करो थोड़ा बचा के करो। और अगर आपकी एज कम है तो आप पेरेंट्स की निगरानी में करो तो ज्यादा बेटर है। तो भाई ये कुछ यहाँ पे निकल के मिलता है और यस बहुत लोग बोलने वाले हैं एंड आई टोटली गेट इट कि भाई यस ये ओरिजिनल नहीं है, देख के लग रहा फेक है। तो कोई नहीं, हमको ओरिजिनल हमने मंगाए हैं बट ओरिजिनल लाने में टाइम लगेगा, तो मैं सोचा सुनील भाई से फेक वाले ले लेते हैं, कुछ बैटल कुछ वीडियोस करेंगे। तो भाई देखो ये है अपना क्या विजार्ड रॉड, और मुझे नहीं पता ये फेक वाला कितना अच्छा, बट मैंने सुना भाई ओरिजिनल वाला विजार्ड रॉड भाई टॉप टीयर बेब्लेड है, एकदम तगड़े लेवल का। तो देखेंगे फेक वाला किस लेवल का है, बाकी तब तक अपना ओरिजिनल वाला विजार्ड रॉड आ जाएगा तो उससे कंपैरिजन करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे इन दोनों के अगर आप बोलोगे। आई डोंट नो कि फ्लेम है या रैपिडिटी है, तो सुनील भाई बता पाएंगे क्या कौन सा ब्रांड आता है। मुझे फेक में ब्रांड्स का आइडिया नहीं है, प्रॉब्ली फ्लेम होना चाहिए, आई मीन ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये देखो भाई, इसका हम काफ़ी ट्राई कर रहे थे और ये है कोबाल्ट ड्रेक। हाँ भाई ऑब्वियसली फेक वाला है, ओरिजिनल वाला खरीदेंगे अगर सब कुछ अच्छा रहा तो, कुछ टाइम बाद कोशिश करेंगे खरीदने की, क्योंकि ओरिजिनल कोबाल्ट ड्रेक भाई बहुत महंगा चल रहा है। अराउंड इसका ओरिजिनल पीस का रेट भाई इस टाइम पे 15-16 हज़ार एक पीस का रेट है, और जो कि मेरे हिसाब से भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा है भाई, हद से ज़्यादा महंगा है। तो ऐसा सीन है यार, क्या ही बोले, जो है सो है, ऐसे ही है सब हिसाब किताब। तो कोबाल्ट ड्रेक का भाई गंदा सीन चल रहा है और मिलना मुश्किल है। एनीवेज वो तो बाद की बात है, फिर कभी देखेंगे जब देखना होगा। बाकी अगर हैशब्रो बीच में लॉन्च कर देता, कोबाल्ट ड्रेक बीच में न्यूज़ आई थी हैशब्रो करेगा, बट सैडली ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो देखते हैं हैशब्रो करेगा भी कि नहीं करेगा। और मैं बता दूं भाई ये दोनों ही बे टॉप टीयर बे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद टकारा टॉमी ने जो WBA मैचेस होते हैं ना, WBO मैचेस, उनमें शायद ये बोला गया था कि अगर आप इन दोनों में से किसी का भी लेयर यूज़ करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो बंदा है ना उसको। और आई थिंक एक और ब्लेड है जो कि फिनिक्स विंग, वो भी टॉप टीयर, उन तीनों में से कोई भी यूज़ करोगे आपका ऑटोमेटिकली एक पॉइंट चला जाएगा। एंड आई थिंक जो विंग में आती है रैचेट ना, वो भी यूज़ करोगे तो एक पॉइंट चला जाएगा। एंड आई थिंक शायद ये वाली बिट है, ये बिट यूज़ करोगे तो एक और पॉइंट चला जाएगा। तो मुझे भूल गया हूँ विंग में कौन सी बिट रैचेट आती है। तो लेट्स से आपने इनमें से कोई भी एक यूज़ किया, इसमें विजार्ड रॉड, कोबाल्ट ड्रेक या फिनिक्स विंग में आपका एक पॉइंट गया, आपने अगर ये यूज़ कर दी तो एक पॉइंट और गया, और आपने अगर विंग फिनिक्स की एक रैचेट यूज़ कर दी तो आपके 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली चले गए। तो ये एक अलग रूल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, खासतौर से ये काफ़ी ओवर पावर भी है। और ऐसा सीन है, कोई नहीं, ये तो जानकारी के लिए बताया मैंने। बाकी सुनील भाई की तरफ से अपन को और भी मस्त मस्त चीज़ें मिली हैं,
जिसमें एक ये भाई रिपकॉर्ड लॉन्चर जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है, देख लेते हैं। तो बे आज हम अनबॉक्स नहीं करेंगे, बे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों को अभी तो मैंने दो तीन बेबलेट एक्स के वीडियोस बना रखे हैं, कायदे से मैं वो डालने वाला था पहले, बट द रीज़न इज़ कि ये पार्सल बीच में आ गया तो मैं सोचा पहले इसको कर लेते हैं। तो इसके बाद वो बेबलेट एक्स के वीडियोस आएंगे बैक टू बैक तीन, फिर आप बता देना इनमें से कौन सा आपको देखना पसंद है। और भाई लॉन्चर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मेरे पास पुराने फ्लेम वाले पड़े होंगे बट वो इतने टाइट नहीं है। आई थिंक ये लॉन्चर ज़्यादा पावरफुल है जो मतलब इनिशियल जनरेशन आया था उससे, तो आई थिंक एक्स वाइंडर प्रॉब्ली इसलिए हो। और इसके साथ सुनील भाई ने एक हमको यहाँ पे स्प्रिंग लॉन्चर भी दिया, भाई क्या बात है, क्वालिटी अच्छा है यार, क्वालिटी अच्छा है नो डाउट। तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कितने दिन चलने वाले हैं ये लॉन्चर्स। बट इसका जो स्ट्रिंग है वो जो अपना नॉर्मल वाला आता है ना उससे थोड़ा टाइट है, जो मतलब टका टॉमी का, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा पावर ज़्यादा मिलने वाला है, वो तो यूज़ करके बता पाऊँगा। ऐसे तो मैं जो इन हैंड फील्ड है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यही था भाई, बताना आप इन दोनों में से किसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो और आज का वीडियो कैसा लगा। तो गाइस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैप्पी ब्लेडिंग।